बटरफ्लाई लेटर्स। ये लो खाओ। अरे वाह, ये टेस्टी लग रहे हैं। क्या ये तुम हमारे लिए लाई हो शिजुका? हाँ। मैं खाना शुरू कर रहा हूँ और मैं भी। बहुत टेस्टी है। हाँ बहुत। चाहिए। मैं तुम्हें ये खरीद कर वापस दे दूंगा। ये कहाँ मिलता है शिजुका? इतना खुश थी? क्या कहा, ये सारे शिजुका ने बनाए थे। बुद्धू कहीं का, बुद्धू कहीं का। क्या तुमने कल रात टीवी पर 9 बजे का शो देखा था? आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी। हाँ चलते हैं शिजुका, ठीक है? हाँ चलो। घर पहुंचकर मैं फोन करके माफी मांग लूंगा। शिजुका बेटा। हेलो नोबिता। अरे शिजुका, मैं दरअसल। नहीं, मैं आंटी बोल रही हूँ बेटा, शिजुका कहीं गई हुई है। हाँ? हेलो 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 नोबिता। शिजुका मुझे पसंद नहीं करती। अब मैं क्या करूँ डोरेमोन? अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो मेरे लिए माफी मांग ले। मैं कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप जाओ और उससे माफी मांग लो, ठीक है? वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, मुझे पता है। उस पर विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नोबिता। क्या कहा तुमने, बटरफ्लाई लेटर्स? बिल्कुल सही, अगर तुम उससे माफी ना मांग पाओ या फोन पर भी ना मांग पाओ तो ये लेटर्स तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल नहीं, इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। ये लेटर्स शिजुका के घर तक पहुंचने में 2-3 दिन लगा देंगे। चिंता मत करो, ये लेटर लिख कर देखो, ये वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। चाहे पढ़ने वाला कोई भी हो, ये लेटर अपने आप उस तक आ... ये लो, काम हो गया। अब आगे क्या करना है? अब इसे बीच में से फोल्ड करना है और खिड़की के बाहर छोड़ना है। ये! अरे ये तुम दोनों के लिए नाश्ता। पहले मैं तुम दोनों के लिए सिर्फ नाश्ता लेकर आने वाली थी, फिर तुमने नोट लिखा था ना, उसकी वजह से मैं आइसक्रीम भी ले आई। थैंक यू मॉम। देखा बटरफ्लाई लेटर्स का कमाल। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिजुका पर भी काम करेगा। आखिर तुम्हें किस बात की? लिखूं? इसे ज्यादा मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस लिखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, और काम बन जाएगा। हाँ तुमने सही कहा डोरेमोन। ओके शिजुका, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ नोबिता। तो काम हो गया। क्या ये वहाँ पहुँच पाएगा? देखते जाओ, अब तुम्हें इंतजार करना है। मुझे चिंता हो रही है, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नोबिता, रुक जाओ। वो रहा। खाने का मन है? कुकीज फिर से बनाऊं तो तुम लोग खाओगे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। और मैं भी। तुमने मुझे मारा शिजुका, मैंने ही ये सब क्या हो गया? हे, तुमने उसके साथ ये क्या किया? तुमने देखा नहीं, इसने उसे थप्पड़ मारा। तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अचानक इसे क्या हो गया? उस बटरफ्लाई जैसी दिखने वाली चीज पर कुछ लिखा हुआ था। जहाँ तक मुझे लगता है जियान, वो बटरफ्लाई नहीं बल्कि एक लेटर था। क्या कहा तुमने, लेटर? रोने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? तुम उसे जानबूझकर मारना नहीं चाहते थे, ये हो गया, तुम उससे माफ़ी मांग लो, वो समझ जाएगी। शिजुका अब तक घर पहुँच गयी होगी, तो जियान और सुनियो रास्ते में नहीं आएंगे, यही सही वक्त है।
क्या तुम्हें लगता है शिजुका मुझे माफ कर देगी? सुनो, जब तक वो माफ ना कर दे तुम्हें लेटर लिखते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो समझ माफी मांगना चाहते हो। जो मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे तो वो लेटर डोरेमोन का एक गैजेट लगता है। अगर हम यही रहे तो ऐसे लेटर्स और भी आएंगे। जरा बताओ तो उसमें क्या लिखा था? हाँ, बताता हूँ। प्लीज शिज़ुका मुझे माफ कर दो, शायद ऐसा ही कुछ लिखा था। हाँ शायद। क्या इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हाँ बिल्कुल। तुम लोग अंदर आकर इंतजार क्यों नहीं कर लेते? हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो तुम इस तरह को क्या बात है? बात सुनो शिज़ुका, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ। ओ माफ करना, वो बादल था। तुम बिना तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा। क्या शिज़ुका, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे पास एक नेट और एक बॉक्स होगा? मैंने पिछले साल वो खरीदा था, शायद वो शेड में होगा। क्या वो तुम हमें थोड़ी देर के लिए दिखा सकती है? ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने लिखा था कि वो मुझे फोन करे पर उसने किया ही नहीं। कोई बात नहीं, इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या इंतजार, मैं एक और लेटर लिखता हूँ। वो अपने आप को अच्छी तरह से जानता है। ये लो, एक और आ गया। चाहे वो कितने भी लेटर्स भेज ले, कुछ नहीं होगा। वो फोन नहीं कर रही, क्या बात है? मेरे हिसाब से उसका फोन अभी तक आ जाना चाहिए था। ये तो बहुत हो गया, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम किस तरह के इंसेक्ट्स पकड़ रहे हो? अरे शिज़ुका, कुछ खास नहीं। शिज़ुका, हमें काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। हाँ? मैं शिज़ुका के फोन का इंतजार कर रहा था पर ये तो अब ये क्या करने आया है? शिज़ुका तुमने ऐसा क्यों किया? आज तो नोबिता की शक्ल सचमुच देखने लायक थी। जियान, तुम दुकान छोड़कर कहाँ घूम रहे थे बताओ मुझे? मॉम, चलो मेरे साथ आओ। कल हम दोनों जाकर उससे माफी मांग लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।